जय श्री राम प्यारे भक्तों। भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्यों के घर पर तो मैं बिना बुलाए तुरंत आ जाता हूँ, देरी भी नहीं लगाता। प्यारे भक्तों, सब मनुष्य चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आए, आकर के भोजन करें, लेकिन कोई बिरला किस्मत वाला ही होता है जिसके घर भगवान स्वयं आते हैं, वो भी बिना बुलाए। आप इस उदाहरण के द्वारा समझें। महाभारत की कथा की बात है प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाओगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के तीन कारण होते हैं। पहला कारण, भूख के कारण भोजन किया जाता है। दूसरा, भय के कारण भोजन किया जाता है। तीसरा, प्रेम के कारण भोजन किया जाता है। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं, जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुराणी के यहाँ। विदुराणी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके और सूखा साग खाया, वो भी बिल्कुल रूखा सूखा। प्यारे भक्तों, भगवान जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम भाव होता है, वहाँ उन्हें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं दौड़े दौड़े चले आते हैं। भाव के कारण ही दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बेर भिलनी के खाए, बहु विध प्रीति बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम भाव के कारण ही भगवान ने झूठे बेर खाए थे बिलनी के, और प्रेम के कारण ही दुर्योधन की मेवा त्याग के विदुर के घर पर जाकर केले के छिलके और साग खाया था। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके घर आए और वो भी बिना बुलाए, तो उनसे सच्चे हृदय से प्रेम कीजिए, फिर वो आपके घर का झूठा भी खा लेंगे, रूखा सूखा भी खा लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो ऐसा करें, और भगवान तुरंत ही आपके घर अवश्य ही आएंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।